राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उस पर कांग्रेस पार्टी अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही ये निर्णय रहा है कि जितने भी विपक्षी दल हों, नॉन एनडीए, वो सब मिलकर निर्णय लेंगे, सर्वसहमति बनाएंगे, सर्वसहमति से यूनानिमिटी बनाएंगे, किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा। और यही कारण है कि कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तकरीबन 18 राजनीतिक दलों को दिन के भोजन पे बुलाया था और उसमें ये निर्णय हुआ था कि सभी राजनीतिक दल मिलके निर्णय लेंगे और श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये अथोराइज किया गया था कि वो एक छोटा सब ग्रुप बनाए। सब ग्रुप भी बन गया, सब ग्रुप की मीटिंग भी हुई, लेकिन इस बीच में बीजेपी पार्टी और सरकार ने ये निर्णय लिया कि बीजेपी की तरफ से 3 सीनियर मंत्री विपक्ष से बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। और ये तीनों मंत्री अलग अलग से उन्होंने संपर्क बनाया विपक्षी दलों से। श्रीमती सोनिया गांधी के साथ संपर्क किया, सोनिया जी के साथ हम दोनों सदनों के जो नेता हैं माननीय खड़गे जी और मैं भी सोनिया जी के साथ थे। जब होम मिनिस्टर और वेंकैया जी आए अपनी तरफ से पार्टी की बात करने के लिए, हम उस वक्त ये उम्मीद करते थे कि कोई कैंडिडेट होगा या कुछ नाम होंगे जिन पे चर्चा हम करेंगे दूसरे दलों के साथ मिलके, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। और उन्होंने बताया था जब हम निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। तो हमें ये पूरी अपेक्षा थी, ये पूरी उम्मीद थी कि अनाउंसमेंट से पहले आम सहमति बनाने के लिए कुछ कैंडिडेटों, कुछ उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे ताकि आम सहमति बने। ये ठीक है कि सरकार ने कुछ लीडरों को और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पे बताया, लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया तो खाली वो तो निर्णय हो गया तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं। ये हम अपेक्षा नहीं करते थे। बाकी ये उनकी मर्जी है, एनडीए की, वो सक्षम है यूनिलैटरली एक तरफा फैसला करने के लिए जो उन्होंने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक्सरसाइज उन्होंने की थी सब पॉलिटिकल पार्टीज से, तो उसका लगता है कि एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि नाम तो उन्होंने किसी पे चर्चा की नहीं। तो शायद वो किसी हमारे एक साथी ने कहा था एक पीआर एक्सरसाइज ही थी, क्योंकि जब तक आप
नाम नहीं बताओगे तो आम सहमति कहां बने। सो इन सो फार एज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी सो अनाउंस्ड बाय एनडीए इज कंसर्न्ड, द कांग्रेस पार्टी हैज नथिंग टू से ऑन दैट। वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द कैंडिडेट। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से दैट वी एक्सपेक्टेड। तो गुलाम नबी आजाद का यह कहना कि सहमति बनाने के लिए उम्मीदवार का नाम पहले बताया जाना चाहिए था, जब निर्णय ले लिया गया उसके बाद उन्हें सूचना दी गई, इसकी अपेक्षा नहीं थी कांग्रेस को। तो घोषणा से पहले आम सहमति बनाने के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम बताएंगे, ऐसी उम्मीद हमें थी बीजेपी से। निर्णय करने के बाद हमें बताया गया, जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी, ये आम सहमति ऐसे नहीं बना सकते। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।